कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित होगा। आगरा में हर साल की भांति इस वर्ष भी 381वें उर्स अबूलाला दरगाह पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन 25 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन एहरारी झंडा अली अबुल उलाई की ओर से किया जा रहा है। 27 सितंबर को मेन दरगाह सैयदाना अब्दुल उला के स्नान तथा सदल लगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। 29 तारीख को कुरान का पाठ किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि प्रशासन द्वारा जो भी प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन निर्धारित की जाएंगी उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते इस बार कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। इस कार्यक्रम में बाहर के लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई, केवल वही लोग आ सकेंगे जो दरगाह से रिलेटिव हैं। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण नहीं किया गया। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। सैयदना रहमतुल्लाह अलैह के 381 उर्स के मौके पर आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ। पिछले 6 महीने में जिस प्रकार से आप लोगों ने फ्रंट लाइन पर काम किया है और अपनी जानों को जोखिम में डाला है और दिन रात मेहनत की है और जनता को जागरूक किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। हमारे मार्गदर्शन में हमारे प्रधानमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर साहब, जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और विशेषकर इस इलाके के थाना प्रभारी श्री और उनके असिस्टेंट, उनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे और हमें खुशी है इस बात की कहने में कि इस इलाके में एक भी केस कोविड का नहीं मिला। इसके लिए सभी आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। दरगाह बंद होने की वजह से जो श्रद्धालुओं को असुविधा हुई है, सूफियों, संतों को और चाहने वालों को, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। सरकारी आदेशों का हमें पालन करना आवश्यक था और ये इस व्यवस्था अभी उसके दौरान भी रहेगी। मेन मसोलियम जो है हजरत का दरबार बंद रहेगा, बाहर के इलाके खुले रहेंगे जिसमें हमें रहकर इबादत करें और सैयदना साहब के रूह को सवाब पहुँचाएँ। और जो लंगर मैं सैयद इशात अली अबुल्लाई, नायब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से खातिब हूँ। इस वर्ष 381वां उर्स मनाया जा रहा है। जैसा कि सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 के चलते नियमों का पालन करना है, उन नियमों का पालन करते हुए इस उर्स में लोकल प्रशासन जिस तरह से हमको इजाज़त देगा उस तरह से हम लोग इस उर्स को मनाएंगे। फिर भी जो हर वर्ष हमारे प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम यथावत रहेंगे, जो परिवार के साथ मनाए जाएंगे। सज्जादा नशीन सैयद इनायत अली अबुल उलाई, जानशीन सैयद के सैयद मोहतशिम अली और नायब सज्जादगान सैयद विरासत अली, सैयद इशात अली और सैयद कैफ अली व परिवार के लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इक्का दुक्का अगर कोई बाहर का आता है तो उनको उम्मीद के अनुसार ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है एरारी झंडे के साथ। झंडे का अर्थ यह है कि जब झंडा दरगाह शरीफ पर नसब कर दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि उर्स का प्रारंभ हो गया। 25 तारीख 5:15 बजे झंडा चंद लोगों के साथ वहाँ लगाया जाएगा दरगाह पर और उसके बाद उर्स का शुरुआत हो जाएगी। 26 को जो प्रोग्राम होता था औरतों का हजार शरीफ का स्नान, जो अति आवश्यक हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी होगा, केवल और केवल परिवार के लोग और चंद लोग उसमें दरगाह शरीफ में दाखिल होंगे जो बहुत कम गिनती में होंगे, और बाबा का स्नान किया जाएगा, संदल चादर पेश की जाएंगी। दूसरे दिन उसके 28 तारीख को फुल फातहा यानी कुरान का पाठ पढ़ा जाता है। उसमें लोकल प्रशासन हमको जितनी लोगों की इजाज़त देगा उतने लोगों को हम और एक समापन में मजार शरीफ का दोबारा बाहर से एक स्नान होता है और उसके बाद रंगी महफिल होती है। इस तरह ये प्रोग्राम रहेंगे। इस वर्ष कुछ प्रोग्राम कम कर दिए गए हैं कोविड-19।